on all 13 is coming. Ooh, good question. Just keep an eye on the phones. We're going to have some pretty big announcements. Hello, Kishore. कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शुभम. मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक न्यू क्लैश ऑफ क्लैन के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ. सो क्लैशर्स, आज के स्टूडियो में बेसिकली जो अपकमिंग अपडेट्स है क्लैश ऑफ क्लैन की, उसके रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा. और उसके साथ साथ टाउन हॉल 13 के बारे में सुपरसेल के कम्युनिटी मैनेजर डैरियन का लेटेस्ट आंसर क्या आया है, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा. और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे इवेंट्स भी आने वाले गाइज, उसके रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करेंगे एंड कुछ अटैक्स करेंगे आज के इस वीडियो से. सो गाइज, आज की जो वीडियो की लाइकें हैं हम लोग 500 रखते हैं. होप सो गाइज आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा. एंड नए मेहमानों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो टिप्स ट्रिक एंड लेटेस्ट न्यूज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए. सो क्लैशर्स, यहाँ पे बेसिकली अभी दीपावली भी आने वाला है. इंडिया का ग्रेट त्यौहार में से एक है दीपावली. तो गाइज हम लोग अपने चैनल पे दीपावली के लिए यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें करने वाले हैं. सबसे पहला ट्रोजन वॉर करने वाले हैं और दूसरा गिवे करने वाले हैं. और 2 न्यू इवेंट हम लोग दीपावली पे करेंगे, उसके रिलेटेड मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन आगे के वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा. सो बेसिकली एक वीडियो मैंने आप लोग को ड्रॉप डाउन किया था सुपर दीपावली का. तो उस सुपर दीपावली वाले वीडियो को जो भी देखे हैं गाइज, उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. और अभी तक जो भी नहीं देखे हैं, वो जाओ उस वीडियो पे और उस वीडियो को पूरी देखो. उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड किया हूँ. और गाइज उसमें गाइज अगर 10K व्यूज़ हो जाता है और ऑलमोस्ट 100 लाइक की और उस वीडियो में रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, तो गोल्ड पास का जो गिवे हम लोग नवंबर में करने वाले हैं वो 3x हो जाएगा. यानी 3x गोल्ड पास का हम लोग गिवे करेंगे. तो यहाँ पे गाइज, और मैं आप लोगों को जो अपकमिंग अपडेट है उसके रिलेटेड अगर कुछ बातें करें, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्लैश ऑफ क्लैन में आप लोगों को एक न्यू स्टैच्यू देखने को मिलेगा. और वो कोई चीज़ नहीं, ड्रैगन का स्टैच्यू होने वाला है. अब ड्रैगन का स्टैच्यू गाइज, आप लोग पहले कभी इसके पहले किसी वीडियो में या फिर कहीं पर सुने नहीं होंगे ये अचानक से ड्रैगन स्टैच्यू आया कहाँ से. गाइज ये गाइज बहुत पहले ही इस पर वर्कआउट चल रहा था. फाइनली जो स्टैचू प्रीप्लांट हो चुका है उसकी एक प्रॉपर इमेज आ चुकी है हम लोगों के पास. यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. इस इमेज में गाइज आप लोग को ये ड्रैगन एक क्लैन कैस्टल के ऊपर देखने को मिल रहा है. ये स्टैचू सही में शानदार दिख रही है गाइज. लेट मी नो कि आप लोग को ये वाली स्टैचू कैसे लगी. ऊपर आई मार्क पे क्लिक कर आप लोग रेटिंग दीजिए 1 से 5 स्टार में कि आप लोग को ये स्टैचू ड्रैगन की कैसी लगी. मुझे लगता है ये जो स्टैचू है गाइज वो वन ऑफ द बेस्ट स्टैचू में से होने वाला है जो कि क्लैश ऑफ क्लैन में अभी जितनी भी स्टैचू आई हैं. बट यहाँ पे एक स्वॉर्ड का जो स्टैचू है यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन में, उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है. उस पर अगर हम लोग वीडियोस बनाना चाहें तो 2000 क्लैन वॉर लीग्स के मेडल्स चाहिए उस स्टैचू को अनलॉक करने के लिए, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं यार. तो हो सकता है ये ड्रैगन के स्टैचू आप लोग को जिम में मिल जाए या फिर आप लोग को क्लैन वॉर लीग्स के मेडल को कलेक्ट करके स्टैचू को परचेज करना पड़ेगा. कुछ भी हो सकता है गाइज, ओके. इसकी इन्फॉर्मेशन जब अपडेट आएगी तभी आप लोग को मिल पाएगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती हैं. और उसके बाद अगर हम लोग बातें करें कि और भी क्लैश ऑफ क्लैन में यहाँ पे स्टैचू के बाद क्या न्यू चीज़ें आ सकती हैं और क्या आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यस गाइज, ट्रुप्स के अपग्रेडेशन यहाँ पे आप लोग के अभी कुछ ट्रुप्स के अपग्रेडेशन आने वाले हैं. और उसके साथ साथ डिफेंसिव बिल्डिंग के भी अपग्रेडेशन आने वाले हैं. कोई न्यू चीज़ें नहीं आएंगी, डिफेंसिव बिल्डिंग के अपग्रेडेशन आएगा और उसके साथ साथ कुछ ट्रुप्स के अपग्रेडेशन आएंगे. कोई हीरोज़ के अपग्रेडेशन नहीं है गाइज इस अपडेट में. और फाइनली अगर इतनी सारी चीज़ें आप सुन ही रहे हो तो आप लोग ये सोचोगे कि नेक्स्ट अपडेट आएगा कब. सो क्लैशर्स, आप लोग को नेक्स्ट अपडेट आप लोग को अक्टूबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा. यानी आप लोग को 27 से लेकर के 31 तक में देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में. यानी इसी टाइम पीरियड के बीच में ये वाली अपडेट ड्रॉप डाउन होंगी. जो दिसंबर का जो अपडेट होने वाला है गाइस 25 दिसंबर का, उससे आप लोग कंपेरिजन मत कीजिएगा इन अपडेट को. क्योंकि दिसंबर के जो अपडेट है गाइस 25 अक्टूबर, वो मैसिव अपडेट होने वाला है. ये छोटे मोटे अपडेट्स नहीं आएंगे, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है. मे बी शायद टाउन हॉल 13 आ जाए. सुपर सेल के कम्युनिटी मैनेजर डैरियन इस चीज़ पे क्या कहे हैं. इवन आप लोग सुपर सेल के कम्युनिटी मैनेजर डैरियन का खुद का बोला हुआ वर्ड्स यहाँ पे सुन सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एवर. ओके, व्हेन टाउन हॉल 13 इज कमिंग. ओह, गुड क्वेश्चन. जस्ट कीप एन आई ऑन द फोन्स. वी आर गोना हैव सम प्रीटी बिग अनाउंसमेंट्स इन द वेरी नियर फ्यूचर. सो तो ये क्वेश्चन सुमित भाई ने पूछे हैं कि जो अभी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है टाउन हॉल 13 का, उसके बारे में आपका क्या कहना है, यानी कब आने वाला है.
तो ये रहा शानदार सा आंसर जो कि सुपर सेल के कॉमेडी मैनेजर डैडियन ने दिया है। तो क्लैशर्स, इससे साफ तौर से बस यही पता चलता है कि सुपर सेल इस टाउन हॉल 13 के बारे में और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। बस उन्होंने इतना ही कहा है कि जो अपकमिंग यहाँ पे स्नीक पिक्स आने वाले हैं, वीडियोज़ आने वाले ऑफिशियल चैनल पे, उस पर आप लोग नज़र रखिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस ये चीज़ जो टाउन हॉल 13 का रिलीजिंग डेट है वो रिवील अभी नहीं करना चाहते, एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। सो जो भी है गाइस, ये अच्छी बात ही है कि अचानक से हम लोगों को कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन में देखने को मिलेगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन डेट 25 दिसंबर से लेकर के फर्स्ट हाफ तक का रहेगा दोस्तों, कि टाउन हॉल 13 आप लोगों को 100% देखने को मिल ही जाएगा। सो इसके लिए स्टे ट्यून्स है ना, और भी कुछ भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे गाइस रॉयल गोस्ट वन ऑफ द यहाँ पे ट्रेंडिंग ट्रुप्स में से एक है अभी क्लैश ऑफ क्लैन का, जो कि यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं सभी के सभी लीग में, फार्मिंग से लेके पुशिंग तक में इसे बंदे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे एक अटैक परफॉर्म करते हैं लीजेंड लीग में इस रॉयल गोस्ट के साथ। क्या बात है यार, शानदार सही बेसिस है, मज़ेदार सी बेसिस है, और देखते हैं क्या ये बेसिस हम लोग को कितनी परसेंटेज लाने में हेल्प करती हैं इस रॉयल गोस्ट के साथ। मैं यहाँ पे सबसे पहले फनलिंग करूँगा। फनलिंग क्या गाइज, यहाँ पे 35 रॉयल गोस्ट का अटैक है, तो जितनी भी रॉयल गोस्ट है उन सभी को हम लोग रिलीज़ ही कर लेंगे। फनलिंग का तो यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता है, जो मिल रहा है रिलीज़ करते जाओ गाइज। सो यहाँ पे लिटरली प्रॉब्लम्स तो दिख रहे हैं गाइज, लिटरली प्रॉब्लम्स तो दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन देख के इतनी आसानी से हो पाएगी सारी चीज़ें। वेल चेक करते हैं गाइज, कुछ कह नहीं सकते। एंड यहाँ पे किनारे किनारे ऑलमोस्ट 18 रॉयल गोस्ट और बचे हम लोग के पास। वाह क्या बात है, क्रिटिकल सिचुएशन, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन। तो देखते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एंड किनारे किनारे के बिल्डिंग्स को मैं क्लियर करने की सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ, और क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग अब टाउन हॉल पे जाएंगे। ओके, फाइनली रॉयल गोस्ट को हम लोग टाउन हॉल पे सेंड आउट कर चुके हैं। एंड किनारे से हम लोग और भी कुछ यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, ताकि रॉयल गोस्ट का जो टाइमिंग है अटैक करने का वो कम हो जाए। ओके, सो फाइनली रॉयल गोस्ट अभी प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है गाइज। एंड इस जगह कुछ तो प्रॉब्लम है गाइज, थोड़ी सी प्रॉब्लम और दिख रही है मुझे। ओके, इट्स ओके। एंड यहाँ पे 6 रॉयल गोस्ट और बचे हम लोग के पास, देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। और इस जगह हम लोग और भी कुछ रॉयल गोस्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। सो फाइनली ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं बिल्डिंग्स, और ऊपर से अब हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। अब मुझे कोई सिचुएशन देखने से लग नहीं रहा है कि और हम लोग यहाँ फ़ायदा हो सकता है ना। नो, सो रॉयल गोस्ट जितनी हो सकती थी हम लोग ने इस्तेमाल किया इस जगह, और मैक्सिमम परसेंटेज तक हम लोग निकाल पाए हैं इस जगह, और इसके अलावा नो चांस, नो। तो चलते हैं अटैक परफॉर्मेंस करते हैं, अब तो कोई चारा है नहीं, 1 मिनट का टाइम भी लेफ्ट रह चुका है। यहाँ पे हम लोग क्वीन को रिलीज़ करते हैं, वोडन को रिलीज़ करते हैं। एंड यहाँ पे एक पॉइजन स्पेल लेना काफ़ी ज़रूरत था गाइज, यहाँ पे पॉइजन स्पेल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला था। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं सिचुएशन क्या होगा यहाँ पे। एंड क्वीन टारगेट ली है सीसी ट्रुप्स को, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत और हो सकता है, बट देखते हैं क्या होगा और आगे का सिचुएशन। किंग को बूस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड क्वीन को भी बूस्ट करना पड़ेगा आई थिंक, क्वीन को भी बूस्ट कर लेते हैं गाइस। एंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। क्या बात है, टाइम हंट होने का सिचुएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कतई सिचुएशन दिख रही है मुझे इस जगह। तो चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। 4386% का टाइमिंग हो चुका है, एंड इसी के साथ माय गॉड 87% पे हम लोग एंड अप करते हैं। टाइम हंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जा रहा है, बट इट्स ओके। हम लोग नेक्स्ट अटैक में कुछ न्यू डिफरेंट टाइप करने का कोशिश करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग 28 ट्रॉफी गेन किए हैं पहली अटैक में, और देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन होता है क्लैशर्स। तो बस दैट्स इट गाइज, होप सो गाइज आज का ये जो वीडियो था आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्लिचेस चल रही है क्लैश ऑफ क्लैन में। और उसके साथ साथ गाइज मैं आप लोग को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ हिडन अपडेट्स आई थी, जो प्रीवियस अपडेट था उसमें कुछ हिडन अपडेट्स थे, शायद आप लोग इस पर गौर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, तो मैं आप लोग को इस हिडन अपडेट्स के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्लिच चल रहा है गाइज कि यहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन जो क्लैन गेम्स का है दोस्तों, इससे आप लोग अभी कुछ कुछ प्लेयर्स रिवॉर्ड या फिर टास्क टेक ओवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इवेंट पे आप लोग क्लिक करोगे, इसे मैं सुपरसेल को फॉरवर्ड किया हूँ, ट्वीट किया हूँ, देखिए शायद ये अपडेट कोई मेंटेनेंस लगा के या फिर कोई ऑप्शनल अपडेट लगा के ये चीज़ फिक्स कर दे क्लैश ऑफ क्लैन। तो यहाँ पे अगर आप लोग चैलेंजेस में जाएंगे और चैलेंजेस में जा करके यहाँ पे किसी भी टास्क पे जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं मैं स्टार्ट बटन पे बार बार क्लिक कर रहा हूँ बट ये टास्क हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं गाइज, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे टाइमिंग भी 2 डेज 1 आवर का बच चुका है गाइज, यानी अगर हम लोग एक भी टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो एक सिंगल रिवॉर्ड लेने का हम लोग को चांसेस नहीं मिलेगा, और ऐसे सिचुएशन में गाइज बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ कैसे आया, क्यों आया, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके साथ अभी ऐसा ना हो। ये बग्स है, जल्दी होप्स हो कि क्लैश ऑफ क्लैन ये वाली बग्स को फिक्स आउट कर देंगे। एंड यहाँ पे गाइज मैं आप लोग को ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ऐसा किस लिए किया था और मेरे साथ क्यों ऐसा होने लगा। तो गाइज़ मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को हिडन अपडेट्स के बारे में ये चीज़ बता देता हूँ, तो ही मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा। शुरू में मैं टास्क ले पा रहा था बट अब बाद में नहीं ले पा रहा हूँ, और जो प्रीवियस टास्क था उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, ट्रैश कर दिया था, डैट्स वाई ऐसा सिचुएशन हो गया। और ऐसा सिचुएशन इसलिए हुआ ताकि हमने क्लैन छोड़ा था, ये क्लैन एक दिन के लिए हमने छोड़ा था, उसके बाद फिर से इस क्लैन में हम लोग आए थे, इसकी वजह से हम लोग टास्क नहीं ले पा रहे हैं। ये ग्लिच है, ऐसा कोई क्लैश ऑफ क्लैन में नियम नहीं है, ग्लिच आया है क्लैश ऑफ क्लैन में, गड़बड़ी, तो इस वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ एक जो न्यू हिडन फीचर्स आया है यहाँ पे, पहले क्या था गाइस कि अगर आप लोगों को इनविटेशन आता था किसी भी क्लैन से तो आप लोग को यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने सेटिंग में जाइए और वहाँ से क्लैन को लीव कीजिए, तो ही आप लोग दूसरे क्लैन में जाकर एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप लोग को अब अभी का सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे लीव योर क्लैन का यहीं पे ऑप्शन बन के आता है, यानी अगर आप लोग इस पे ओके करते हो तो डायरेक्टली आप लोग अपने क्लैन को लीव कर जाओगे और दूसरे के क्लैन को एंट्री कर जाओगे। ओके, ओपोनेंट का क्लैन फुल है तो हम लोग यहाँ पे दूसरे क्लैन में चलते हैं। ओके, ये क्लैन भी फुल है, वाह क्या बात है, ये भी क्लैन फुल है, क्या शानदार बातें हैं। सो यहाँ पे यू आर अ मेंबर ऑफ द हैन ही हिंदू, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली एक क्लैन में आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग इस क्लैन में आ चुके हैं, वो क्लैन ऑटोमेटिक लीव हो चुका है। सो ये काफ़ी शानदार बात है, ये वाली फीचर्स मुझे अच्छी लगी हैं जो हिडन फीचर्स में आप लोग को अक्टूबर अपडेट में दिया गया है। सो गाइज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग को ये सारी चीज़ें कैसी लगी, आप लोग का आज का ये वीडियो कैसा लगा। सो हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।